वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए वाटरमेलन को मैंने पील करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। इसके बीज को मैंने रिमूव कर दिया है। ये मैंने ड्राई पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। आप फ्रेश पुदीने की पत्ती का भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे जूस का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर जो है ब्लेंड कर लूँगी। देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने लिया है कांच का सर्विंग गिलास। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी मीठे के लिए गुड़ शक्कर। आप जो है चीनी का भी यूज़ कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग मीठे को डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार काला नमक, स्वाद अनुसार इसमें डाल दूंगी काली मिर्च। अब मैं इसमें डाल दूंगी लेमन जूस। मैं 3 चम्मच जो है लेमन जूस के डालूंगी। उसके बाद मैं इसको कर दूंगी मिक्स, ताकि जो हमने इसमें शक्कर डाली है वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी तरबूज, जिसे मैंने मिक्सी जार में ब्लेंड किया था। अगर आप थिक जूस बनाना चाहते हो तो आप इसमें पानी को भी जो है ऐड कर सकते हो। मैंने पानी को ऐड जो है नहीं किया। अब सर्व करने से पहले मैं इसे तरबूज के पीस के साथ जो है गिलास को गार्निश कर दूंगी। तो ये हमारा तरबूज का ठंडा ठंडा जूस बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।